एकता जिंदाबाद, 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 तो हर चीज
किसानी तो में तो है, अगर किसान की जहाँ बात आती है तो सबसे पहले किसान का बेटा हूँ, किसान समर्थक हूँ, और पहले भी धरना था वहाँ गांव में भी, हमने जैसा भी हमारे से जो अब तक बांट रखे थे धनाना था, अमिता था, हमने जो विद्यानगर पड़वास नागवास ये सारे बांट रखे थे अमिता, तो उसमें भी हमने इतना योगदान दिया। और आज जो ये सांकेतिक धरना है इसके ऊपर जो आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं उसका मेन उद्देश्य लगभग सारे नेताओं ने सभी साथियों ने बता दिया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हम भाषण दे लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ आज किसान इतना त्रस्त है, अगर अगली बार सरकार इस गलत फहमी में अगर भाई किसान को तो हम फिर परगला लेंगे, बहका लेंगे, अब की बार ये विस्फोट हो सकता है, अब की बार उठने का नहीं, अगर सरकार ने अब की बार को गलत फहमी में कोई इस तरह का गलत स्टेप उठाया ना, किसान के साथ नाइंसाफी करने की कोशिश की, एमएसपी के ऊपर भी उन्होंने परगलाने की कोशिश की, बिजली वाला जो 5-7 कानून संयुक्त किसान मोर्चा ने जो बताए हैं उनके ऊपर सरकार अगर कोई सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाएगी, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि आज देश के अंदर इतनी समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्या किसानी है, बेरोजगारी भी उससे सेकेंडरी पे आती है, पढ़ाई भी सेकेंडरी पे आती है, जब पेट ही नहीं भरेगा, जब भूखे मरने की नौबत आएगी। आज मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का एक इंटरव्यू सुन रहा था अपने News24 पे कि कम से कम 49 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर हैं, जो कति वहाँ कुछ भी हो सकता है, कई देशों के जिसमें अमेरिकन अफ्रीकन कंट्रीज हैं और अब कहते हैं उनमें लंका भी आ गई और भी कई देश आ गए, 49 करोड़ लोग दो कति भुखमरी पर वो कुछ भी कर सकते हैं। आज इतना क्राइसिस है अनाज का, अगर किसान की दुर्गति रही, ये हालात रहे, अगर किसान की अनदेखी की तो ये भुखमरी से पहले अगर जाइयो अब की बार विस्फोट हो जाएगा, तो किसी का बस की बात नहीं रहेगी। मैं तो यही शहीद आजम भगत सिंह सेवा संगठन का प्रधान, और जो आज ये किसानों ने 2 घंटे का जो सांकेतिक धरना है जो हर जिले में लगाया गया है संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे, आज हम उनका समर्थन करते हैं और किसानों के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे, और जितने भी किसान भी और जितने भी मान लो जिसके साथ भी जाति होती है हम वहाँ अपने संगठन के साथ हम वहाँ खड़े रहेंगे। पहले भी मोनू तालू जी, आप लोगों ने जो भी किसानों का धरना 14 महीने चला, 15 महीने चला, उसमें भी आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, तो उसके बारे में भी कुछ बताएं। हमारे जो लड़के थे वो या हमारा जो हमारा संगठन था वो इसमें चढ़ बढ़ के भाग लिया, और हम टिकरी बॉर्डर पर वहाँ जाते रहते थे, और हमने वहाँ अपने जो भी वहाँ थोड़ी सहायता थी हमने वो सहायता भी की, जो हमने सहायता की। आज जो ये संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर जो ये धरना लगाया गया है, ये क्यों और किस लिए लगाया गया है? ये जो एक तो MSP का कानून था वो नहीं बनाया सरकार ने, सरकार किसानों के साथ वो कर रही है, ज्यादती कर रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज पूरे ऑल इंडिया में किसानों का 2 घंटे के लिए कोर्ट के सामने धरना चल रहा है सभी जगह, और हरियाणा में JJP BJP सरकार है, उन्होंने मुआवजा देने की भी घोषणा की थी, अब तक ना किसानों को, जो शहीद किसान हुए हमारे भाई उनको मुआवजा भी नहीं मिला। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती मैं ऐसे ही धरने देने पर धरने देंगे, और रोड जाम करना पड़ा रोड जाम देंगे, जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान होगा उस पर हम अपनी खरी वो करेंगे। ये सरकार बार बार घटिया पर काम कर रही है, हम इस सरकार में ये कहना चाह रहे हैं तुम तो 13-14 महीना मुझे बिठाए रखे, तुम्हारा हमने ये दिन मत दिखाओ, ये किसान है ना, किसान ने इतना काम मत करो। श्री छोटू राम जी ने कही थी ना, अब बोले किसान ने कही थी भाई अपना कितना दाना लो पंचायत और पंचायत में आग लगा हमने वो काम करना पड़ जाएगा, सरकार आठ हो जाए काम खोल ले तू मजबूर मत करे, ये तो हमें दोबारा मत दिखावे, आज का हम दिल्ली में फिर जाकर बैठ जाओ, इन पर तो ना संभाल नहीं तू संभाल नहीं पाओगे, हम हटा नहीं गए इन पर तो आगे था हम बताई मैं इस पर नहीं आवागे, और मैंने को एक होकर चलो एक रोवागे और जय जवान जय हमारे पास जो बाकी बचा है उसको छीनना चाह रही, और दूसरा सत्र ये था कि भाई जो सरकार हमसे छीनने बैठी है वो उसमें क्या होगा उसका देना था।
तो उस आंदोलन में इतना काम करने में कामयाब हो गए कि भाई जो हमारा पास है उसको छीनने के लिए कुछ दिन के लिए हम ब्रेक डाउन मरवा गए। लेकिन जो दूसरे सत्र की लड़ाई थी वहां हम कच्चा खाए बैठे हैं, जो एमएसपी का कानून बनवाने की बात। फिर हम खुश आके बस जमीन छीनने तो बच गए, लेकिन ये भी हमारी खुशफहमी है। मैच आपका तुषाराम ज्यादा दूर ना है, वहां लगभग 50-60 साल से काश्तकार बैठे हैं एक लैंड के ऊपर, और उस जमीन को छीनने की ये सरकार पूरी कोशिश कर चुकी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो छोटे छोटे इवेंट्स दिखे हैं ना, ये लड़ाई है हकीकत में वही। तो एक तो साफ देता जागरो जिसने भी जिसा टेप डालो, क्योंकि चिंगारी की बात हो जाए पर इनसे तो लड़ना पड़ेगा, और वही लड़ाई जारी है वो हुआ। दूसरी लगभग सारी बात आया सारे ने करा, लेकिन मेरा तो कहना यो है ये जितने काफी जाग रहे हैं ये जाग दे रही हो तो ये भी शौकन है तो भाई ये लुटेरे से जमा साकी डाल दू जाएंगे लुटने में कोई पाची छोड़ ना रहती है ना, ये उस नीति ते अभी उठते आते हैं। क्योंकि जब चुनाव हुआ है ना 5 राज्य में, उनमें इनके हौसले बुलंद हुए हैं। अगर हम ये सोचें कि भाई हम कामयाबी मिलती तो कामयाबी ना रही। इतना ही कहना था, आप जागते रहियो और जगा सको तो ठीक, ना जगा सको तो कम से कम आपने नाश हुई।